उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और आज जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन का मैं नाम बता देना चाहता हूं। पूरा नाम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC झारखंड डिप्लोमा लेवल कम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021। तो परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस वीडियो में उसी के हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। आपको बता देना चाहते हैं, इस एग्जामिनेशन का जो आप लोगों का आज का रिपोर्टिंग टाइम है वो 7:30 बजे सुबह है, और जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो 8:45 है, और एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट है पेपर वन का, जो कि आपका जनरल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज होने वाला है। जबकि पेपर टू सिविल इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं तो उसका जो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है वो 11:15 है, गेट क्लोजर टाइम 12:15 है, और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन उसका भी 120 मिनट है, यानी कि 2 घंटे का है। तो स्टूडेंट्स को भारी संख्या में स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है वो आधार कार्ड वाली प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि ऐसा आधार कार्ड जिसमें आपका पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, उस आधार को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। चूँकि हमारे जो आधार कार्ड वाली हम लोग वीडियोस बनाते थे रेलवे और SSC के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो केवल रेलवे के और SSC के स्टूडेंट्स ही देखते होंगे। अभी लगभग सुबह के 8:25 हो चुके हैं, गेट बंद होने में 20 मिनट का समय बचा हुआ है, यानी कि 8:45 पर जब गेट बंद होगा तो काफ़ी भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स होंगे उसका रिजेक्ट होना तय है। कोई रोएंगे, कोई चीखेंगे, कोई चिल्लाएंगे, लेकिन अंततः उन स्टूडेंट्स का कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग कुछ स्टूडेंट्स से मिलेंगे और उनसे आपको मिलवाएंगे भी कि आखिर उनको सेंटर से क्या जवाब दिया गया और उनको क्यों एंट्री नहीं मिल पाई है। इसलिए इस एग्जामिनेशन को देने जाने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और आप लोग अपना प्रॉपर एडमिट कार्ड लेकर के जरूर से जरूर जाएंगे। इसका एडमिट कार्ड हम लोग अपने टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर के डिटेल्ड देख सकते हैं कि कौन सा एग्जामिनेशन है और कौन सा एग्जामिनेशन नहीं है। अभी हम लोग चलिए कुछ स्टूडेंट्स से आपको मिलवाते हैं और उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर उनको क्या प्रॉब्लम हुई है और क्यों एंट्री मतलब कि एंट्री गेट से उनको वापस किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे भी अपने लिमिटेशन होते हैं। भाई साहब, क्या प्रॉब्लम हुआ गेट पर आपको? एक्चुअली एडमिट कार्ड जो दिया गया था पहले, हाँ, वो भी फॉल्स बता रहा है, इसमें रोल नंबर सही से नहीं आ पा रहा है। फिर से बताइए एक बार, क्या बोले आप? रोल नंबर हमारा एडमिट कार्ड में सही नहीं आया है। अच्छा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी करना का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, यही दिक्कत है। तो आपको कैसे मालूम चला कि आपका रोल नंबर सही नहीं अंदर, है? अंदर जाने के बाद आप अंदर प्रवेश कर चुके हैं? यस। फिर बाहर आए हैं? फिर बाहर आए हैं। और दिखाइए अपना एडमिट कार्ड। समय भी नहीं है। कौन सा रोल नंबर गलत बताया जा रहा है? ये वाला 33613। तो इनके उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया आपको? इसमें आपका 8 या 9 नंबर का अंक आएगा। हाँ, रोल नंबर। अच्छा, तो ये तो साइट के द्वारा ही मतलब दिया गया है, हमको तो आइडिया नहीं है इसका क्या रोल नंबर दिया गया नहीं दिया गया। अच्छा, तो अभी हम लोग को परेशानी करने का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने अपनी बात उनको बताई कि ये तो मैंने साइट से डाउनलोड किया है? बताई। तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोले? मैं तो रोल नंबर ना हम लोग को पहले नहीं बताया गया था कि कौन सा रोल नंबर है, अभी बोला जा रहा है कि रोल नंबर आपका गलत है, फिर से न्यू एडमिट कार्ड निकाल लिया जाए। अच्छा, फिर अभी परेशानी हो रही है हम लोग को। तो आपने नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है? जी, अभी डाउनलोड किया। नया में पूरा रोल नंबर है? जी सर। चलिए आप भी डाउनलोड कर लीजिए तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। आइडेंटिटी कार्ड आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? नहीं, मेरा आधार कार्ड हम नहीं निकाल पा रहे हैं। गेट पे गए थे आप? नहीं नहीं, गेट से वापस कौन आए हैं? गेट से वापस कोई स्टूडेंट है जिनको गेट से वापस किया गया है? यस सर। क्या प्रॉब्लम बताया गया आपको, बताइए ना। आधार कार्ड। क्या बोला गया आपका आधार कार्ड में? नहीं चलेगा, मतलब आधार कार्ड में क्या प्रॉब्लम था आपके आधार कार्ड में? क्या बोले? हो गया। आप देख सकते हैं फ्रेंड, स्टूडेंट्स की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और आधार कार्ड वाली जो प्रॉब्लम है ये एक मेजर प्रॉब्लम है। आप भी गेट से वापस आए हैं? आपका आधार कार्ड था ही नहीं, गेट से आए हैं? एडमिट कार्ड वाला प्रॉब्लम और आधार कार्ड वाला प्रॉब्लम, ये आप लोग जरूर से जरूर, अभी ठीक हो गया। चलिए थैंक यू तन्मय चक्रवर्ती जी। आप सभी से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्रॉपर तैयारी के साथ आइएगा, वरना आपको भी इस तरह से गेट बंद होने के बाद आप कितना भी रोएंगे, कितना भी चीखेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।